चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो और घंटों दबा दियो सारा लेटेस्ट वीडियो सारा पहले देखन खातर थाने सारा ने खा जल की कसम कि उस बच्चे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया और वो लड़का अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करके वहां पे नौकरी लग गया और कुछ दिन बाद उसने वहीं पे शादी कर ली और एक लड़का हो गया और उसकी माँ जो घर पे जिसका इंतजार करती थी वो उसके इंतजार में बिल्कुल बूढ़ी हो गई, हलना चलना भी मुश्किल हो गया था उसके लिए। तो एक दिन सुबह सुबह उस लड़के का फोन आता है माँ के पास, कहता है माँ, बोली हाँ बेटा बोल, कहता है माँ तू वहां दुखी है अकेली और मैं अमेरिका में मेरा काम धंधा करता हूँ, इतने पोता हो गया, तू मेरे पास अमेरिका आ जा, इस बच्चे को इस पोते को खिला लिए, तेरा भी टाइम पास हो जाएगा और हमारा भी काम चल जाएगा। तो उस बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, मैं तो अकेली पड़ी पड़ी यहाँ पे बोर हो रही हूँ, अगर आप ये चाह रहे हो तो ठीक है मुझे ले जाओ अमेरिका, मैं अमेरिका आ जाती हूँ आपके पास और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। तो उस लड़के ने कहा माँ मैं कल आ रहा हूँ आपको लेने के लिए, कल आपको लेने के लिए मैं घर आ रहा हूँ और ऐसा करना जो ये अपना घर बार है ना इसको बेच देते, यहाँ पे क्या काम करेगा, अमेरिका में अपनी कोठी सब कुछ काम धंधा बिजनेस सारी चीज है। बोली ठीक है मेरे को क्या करना, तुम्हारा ही घर है जो तुम चाहो वो कर दो। तो देखिए चार पांच दिन बाद में वो लड़का घर आ जाता है और घर आके उसने अपना घर रातों रात किसी को बेच दिया और जो पैसे थे वो जेब में डाल के और सुबह माँ को बोला ठीक है चलो हवाई जहाज आएगी जहां अपनी टिकट है और आपको अमेरिका लेके चलता हूँ। तो उस लड़के ने उस माँ को साथ कर लिया और एयरपोर्ट पे चला गया जहां पे हवाई जहाज का अड्डा होता है ना वहां पे, और वहां जाके माँ को बोलता है माँ तू यहाँ बैठ जा बाहर, मैं अंदर से टिकट ले आऊं। अब उस माँ को ये थोड़ी पता था कि हवाई जहाज की टिकट तो पहले से ही बुक होती है, बोला ठीक है मैं बैठ जाती हूँ तुम टिकट ले आओ। उस माँ को बाहर बिठा के और वो लड़का अंदर चला जाता है और वो माँ एक घंटा इंतजार किया, दो घंटा इंतजार किया, तीन घंटा इंतजार किया, लेकिन ऐसे इंतजार करते करते शाम हो गई, वो उसका लड़का वापिस उसे लेने के लिए नहीं आया बाहर। तो वो बार 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 खड़ी हो गई, वो बुढ़िया देख रही अंदर है और फिर आगे बाहर बैठ जा। तो शाम को 6-7 बज गए, अंधेरा होने वाला था। तो उस टाइम वहां पे जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं ना वो आए, बोले माँ तू सुबह से बैठी यहाँ पे, एक बार अंदर देखती फिर बैठ जाती, क्या चक्कर क्या चाहिए तेरे को, क्यों बैठी है। बोली रे मेरा एक बेटा था जो मुझे अमेरिका ले जाना चाहता था, लेकिन सुबह गया था टिकट लेने के लिए अभी तक नहीं आया। वो बोला अभी तक नहीं आया। उसने अंदर जाके देखा, उनके पास तो सारा रिकॉर्ड होता है कि वो लड़का तो 11 बजे अमेरिका की फ्लाइट है अमेरिका के जहाज से चला गया। उसने आके बुढ़िया को कहा माई आपका बेटा तो चला गया 11 बजे फ्लाइट पकड़ के। और इतनी बात सुनते ही उस बुढ़िया ने चक्कर आ गया और वो बिल्कुल जमीन पर गिर गई पड़गी। बोली रे बेटा मैं मेरी घर पे सुख से दिन काटू थी, तू तेरी अमेरिका में खुश था, मैंने तेरा के बिगाड़ा था, जो मेरा एक घर था वो भी तेने बेच के खा दिया। और वो माँ रोने लग जाती है और रोते रोते क्या कहती है देखिए, सुनने वाले का एक हाथ करदा खड़ा हो, बहुत ही अच्छे से बोल दिखे कवि ने। ध्यान से सुनना, आंखों में पानी आएगा आपके भी उस मां की व्याख्या सुन के। वो मन छोड़ के टिकर गया
लाडले मेरी गलर धोखा कर गया अपनी माँ को मानते ना जन्म देने वाली को धीरे धीरे मीठी मीठी ताली बजाएंगे इस भजन में, जो अपनी माँ को सच्चे दिल से मानते हैं माँ के लिए ताली बजाएंगे माँ के लिए।
कहती है ममता की छा करके और तने पाड़ा चा करके कह रे बेटा जब तू छोटा था और तू मेरे साथ सोता था और जो साइड तू गिल्ली कर देता था ना मूंद देता था उस साइड मैं सोती थी और दूसरी साइड तेरे को सिलाती थी और जब तेरी दूसरी साइड गिल्ली हो जाती थी तो उस साइड मैं सोती थी और तुझे मेरी छाती पे सुलाती थी बेटा तूने मेरे साथ क्या कर दिया। कहते हैं ना अरे शख्स जब तू छोटा था तो माँ की खटिया गिल्ली रखता था। अरे शख्स जब तू छोटा था तो माँ की खटिया गिल्ली रखता था और आज तू बड़ा हो गया तो माँ की अखिया गिल्ली रखता। अरे शख्स तुझे आदत सी पड़ गई है माँ को गिल्ले में रखने का। और इस कवि ने क्या कहा ममता की छा कर तने पाया जा कर ममता की छा कर तने तू सब कुछ बोल बिखर गया लाडले मेरी पहला धोखा कर गया लाडले करी
सरिया।